परिचय प्रस्तुत पाठ दो बैलों की कथा हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग एक से ली गई है। इसके लेखक परिचय प्रस्तुत पाठ दो बैलों की कथा हमारे पाठ्यक्रम क्षितिज भाग एक से ली गई है। इसके लेखक प्रेमचंद है। प्रेमचंद का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ था। उनका मूल नाम धनपत राय था। प्रेमचंद का बचपन अभावों में बीता और शिक्षा बीए तक ही हो पाई। उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्याग पत्र दे दिया और लेखन कार्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। प्रेमचंद की कहानियाँ मानसरोवर के 8 भागों में संकलित हैं। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि, गोदान उनके प्रमुख उपन्यास हैं। उन्होंने हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का संपादन भी किया। कथा साहित्य के अतिरिक्त प्रेमचंद ने निबंध एवं अन्य प्रकार का गद्य लेखन भी प्रचुर मात्रा में किया। प्रेमचंद साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम मानते थे। उन्होंने जिस गांव और शहर के परिवेश को देखा और जिया, उसकी अभिव्यक्ति उनके कथा साहित्य में मिलती है। किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति, दलितों का शोषण, समाज में स्त्री की दुर्दशा और स्वाधीनता आंदोलन आदि उनकी रचनाओं के मूल विषय हैं। प्रेमचंद के कथा साहित्य का संसार बहुत व्यापक है। उसमें मनुष्य ही नहीं पशु पक्षियों को भी अद्भुत आत्मीयता मिली है। बड़ी बड़ी बात को सरल भाषा में सीधे और संक्षेप में कहना प्रेमचंद के लेखन की प्रमुख विशेषता है। उनकी भाषा सरल, सजीव एवं मुहावरेदार है तथा उन्होंने अरबी, फारसी और अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग कुशलता पूर्वक किया है। दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं के भावात्मक संबंध का वर्णन किया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप से यह कहानी आजादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। इसके साथ ही इस कहानी में प्रेमचंद ने पंचतंत्र और हितोपदेश की कथा परंपरा का उपयोग और विकास किया है। जानवरों में गधा सबसे ज्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। हम जब किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता ने उसे ये पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। गाय सींग मारती है, ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ ही जाता है। किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना न देखा। जितना चाहो गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पर कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। वैशाख में चाहे एकाध बार कुलेल कर लेता हो, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद स्थायी रूप से छाया रहता है। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में उसे बदलते नहीं देखा। ऋषियों मुनियों के जितने गुण हैं, वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुंच गए हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ कहता है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, चार पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ कर काम करते हैं,
किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, चार बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। कहा जाता है वे जीवन के आदर्श को नीचा करते हैं। अगर वे भी ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सभ्य कहलाने लगते। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण्य बना दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम ही गधा है, और वो है बैल। जिस अर्थ में हम गधे का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बच्चिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं है। बैल कभी कभी मारता भी है, कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। अतएव उसका स्थान गधे से नीचा है। हीरा और मोती का परिचय। झूरी कांची के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, ढील में ऊंचे। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया था। दोनों आमने सामने या आस पास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाता था हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते। कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते से नहीं, केवल विनोद भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी, कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज्यादा से ज्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। दिन भर के बाद दोपहर या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते थे। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता था। संयोग की बात, झूरी ने एक बार भूई को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम वे क्यों भेजे जा रहे हैं। समझे मालिक ने हमें बेच दिया। अपना ये बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने। पर झूरी के साले गया को घर तक गोई ले जाने में दांतों पसीना आ गया। पीछे से हांकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगड़िया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे को जोर लगाते, मारता तो दोनों सींग नीचे करके हुकरते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झूरी से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो, हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था तो और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुका कर खा लिया, फिर तुमने हमें इस जालिम के हाथ क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नांद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया था। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगानों से लगते थे। दोनों ने अपनी मूक भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखइयों से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया तो दोनों ने जोर मार कर पगहे तुड़ा डाले और घर की तरफ चले। पगहे बहुत मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक एक झटके में रस्सियां टूट गईं। झूरी प्रातः काल सोकर उठा तो देखा कि दोनों बैल चरनी पर खड़े हैं। दोनों की गर्दनों में आधा आधा गराम लटक रहा है, घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं।
और दोनों की आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा है। झूरी बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का वह दृश्य बड़ा ही मनोहर था। बैलों का घर वापस भाग आना। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजा बजा कर उनका स्वागत करने लगे। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी महत्वपूर्ण थी। बाल सभा ने निश्चय किया, दोनों पशु वीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा, ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया, इतनी दूर से दोनों अकेले चले आए। तीसरा बोला, बैल नहीं है वे, उस जन्म के आदमी हैं। इसका प्रतिवाद करने का किसी को साहस न हुआ। झूरी की स्त्री ने बैलों को द्वार पर देखा तो जल उठी। बोली, कैसे नमक हराम बैल हैं कि एक दिन वहाँ काम न किया, भाग खड़े हुए। झूरी अपने बैलों पर यह आक्षेप न सुन सका। नमक हराम क्यों है? चारा दाना न दिया होगा तो क्या करते? स्त्री ने रौब के साथ कहा, बस तुम ही तो बैलों को खिलाना जानते हो, और तो सभी पानी पिला पिला कर रखते हैं। झूरी ने चिढ़ाया, चारा मिलता तो क्यों भागते? स्त्री चिढ़ी, भागे इसलिए कि वे लोग तुम जैसे बुद्धुओं की तरह बैलों को सहलाते नहीं, खिलाते हैं तो रगड़ रगड़ कर जोतते भी हैं। ये दोनों ठहरे कामचोर, भाग निकले। अब देखूं कहां से खली और चोकर मिलता है। सूखे भूसे के सिवा कुछ न दूंगी, खाएं चाहे मरे। वही हुआ, मजूर को कड़ी ताकीद कर दी गई कि बैलों को खाली सूखा भूसा दिया जाए। बैलों ने नांद में मुंह डाला तो फीका फीका, ना कोई चिकनाहट ना कोई रस, क्या खाएं? आशा भरी आंखों से द्वार की ओर ताकने लगे। झूरी ने मजूर से कहा, थोड़ी सी खली क्यों नहीं डाल देता बे, मालकिन मुझे मार ही डालेंगी। चुरा कर डाला? न दादा, पीछे से तुम भी उन्हीं की सी कहोगे। बैलों पर अत्याचार होना। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और बैलों को ले चला। अब की उसने दोनों को गाड़ी में जोता। दो चार बार मोती ने गाड़ी को सड़क की खाई में गिराना चाहा, पर हीरा ने संभाल लिया, वह ज्यादा सहनशील था। संध्या समय घर पहुंचकर उसने दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और कल की शरारत का मजा चखाया। फिर वही सूखा भूसा डाल दिया, अपने दोनों बैलों को खली चूनी सब कुछ दी। दोनों बैलों का ऐसा अपमान कभी न हुआ था। झूरी इन्हें फूल की छड़ी से भी न छूता था। उसकी टटकार पर दोनों उड़ने लगते थे। यहाँ मार पड़ी, आहार सम्मान की जगह तो थी ही, उस पर मिला सूखा भूसा। नांद की तरफ आंखें तक न उठाई। दूसरे दिन गया ने बैलों को हल में जोता, पर इन दोनों ने जैसे पांव न उठाने की कसम खा ली थी। वह मारते मारते थक गया, पर दोनों ने पांव न उठाया। एक बार जब उस निर्दयी ने हीरा की नाक पर खूब डंडे जमाए तो मोती का गुस्सा काबू के बाहर हो गया, हल लेकर भागा। हल, रस्सी, जुआ, जोत सब टूट टाट कर बराबर हो गया। गले में बड़ी बड़ी रस्सियां न होती तो दोनों पकड़ाई में न आते। हीरा ने मूक भाषा में कहा, भागना व्यर्थ है। मोती ने उत्तर दिया, तुम्हारी तो इसने जान ही ले ली थी, अब की बड़ी मार पड़ेगी। पढ़ने दो, बैल का जन्म लिया है तो मार से कहां तक बचेंगे। गया दो आदमियों के साथ दौड़ आ रहा है, दोनों के हाथों में लाठियां हैं। मोती बोला, कहो तो दिखा दूं कुछ मजा, मैं भी लाठी लेकर आ रहा है। हीरा ने समझाया, नहीं भाई, खड़े हो जाओ, मुझे मारेगा तो मैं भी एक दो को गिरा दूंगा। नहीं, हमारी जाति का ये धर्म नहीं है। मोती दिल में ऐंठ कर रह गया। गया आ पहुंचा और दोनों को पकड़ कर ले चला। कुशल हुई कि उसने उस वक्त मारपीट न की, नहीं तो मोती भी पलट पड़ता। उसके तेवर देखकर गया और उसके सहायक समझ गए कि उस वक्त टाल जाना ही मसलहत है। बैलों का दोबारा भागना। आज दोनों के सामने फिर वही सूखा भूसा लाया गया। दोनों चुपचाप खड़े रहे, घर के लोग भोजन करने लगे। उस वक्त छोटी सी लड़की दो रोटियां लिए निकली और दोनों के मुंह में देकर चली गई।
उस एक रोटी से इनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया। यहाँ भी किसी सज्जन का वास है। लड़की भैरों की थी, उसकी माँ मर चुकी थी। सौतेली माँ उसे मारती रहती थी, इसलिए इन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। दोनों दिन भर जोते जाते, डंडे खाते, अड़ते, शाम को थान पर बांध दिए जाते और रात को वही बालिका उन्हें दो रोटियां खिला जाती। प्रेम के इस प्रसाद की यह बरकत थी कि दो दो गाल सूखा भूसा खाकर भी दोनों दुर्बल ना होते थे, मगर दोनों की आंखों में रोम रोम में विद्रोह भरा हुआ था। एक दिन मोती ने मूक भाषा में कहा, अब तो नहीं सहा जाता हीरा, क्या करना चाहते हो? एक आध को सींगों पर उठाकर फेंक दूंगा, लेकिन जानते हो, वह प्यारी लड़की जो हमें रोटियां खिलाती है, उसी की लड़की है जो इस घर का मालिक है। यह बेचारी अनाथ ना हो जाएगी तो मालकिन को ना फेंक दूं? वही तो उस लड़की को मारती है। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, यह भूले जाते हो? तुम तो किसी तरह निकलने ही नहीं देते। बताओ, तुड़ाकर भाग चले? हाँ, ये मैं स्वीकार करता हूँ, लेकिन इतनी मोटी रस्सी टूटेगी कैसे? इसका एक उपाय है, पहले रस्सी को थोड़ा सा चबा लो, फिर एक झटके में जाती है। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, दोनों रस्सियां चबाने लगे, पर मोटी रस्सी मुंह में ना आती थी। बेचारे बार बार जोर लगाकर रह जाते थे। सहसा घर का द्वार खुला और वही लड़की निकली। दोनों सिर झुकाकर उसका हाथ चाटने लगे। दोनों की पूंछें खड़ी हो गई। उसने उनके माथे सहलाए और बोली, खोल देती हूँ, चुपके से भाग जाओ, नहीं तो यहाँ लोग मार डालेंगे। आज घर में सलाह हो रही है कि नाकों में नाथ डाल दी जाए। उसने गरांव खोल दिया, पर दोनों चुपचाप खड़े रहे। मोती ने अपनी भाषा में पूछा, अब चलते क्यों नहीं? हीरा ने कहा, चले तो, लेकिन कल इस अनाथ पर आफत आएगी, सब इसी पर संदेह करेंगे। सहसा बालिका चिल्लाई, दोनों फूफा वाले बैल जा रहे हैं। ओ दादा दादा, दोनों बैल भागे जा रहे हैं, जल्दी दौड़ो। बैलों को आजादी का अनुभव होना। गया हड़बड़ा कर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। वे दोनों भागे, गया ने पीछा किया, और भी तेज हुए। गया ने शोर मचाया, फिर गांव के कुछ आदमियों को भी साथ लेने के लिए लौटा। दोनों मित्रों को भागने का मौका मिल गया, सीधे दौड़ते चले गए, यहां तक कि मार्ग का ज्ञान न रहा। जिस परिचित मार्ग से आए थे उसका यहां पता न था। नए नए गांव मिलने लगे। तब दोनों एक खेत के किनारे खड़े होकर सोचने लगे, अब क्या करना चाहिए? हीरा ने कहा, मालूम होता है राह भूल गए, तुम भी बेतहाशा भागे, वहीं उसे मार गिराना था। उसे मार गिराते तो दुनिया क्या कहती? वह अपना धर्म छोड़ दे? लेकिन हम अपना धर्म क्यों छोड़े? दोनों भूख से व्याकुल हो रहे थे। खेत में मटर खड़ी थी, चढ़ने लगे, रह रह कर आहट ले लेते थे, कोई आता तो नहीं। जब पेट भर गया, दोनों ने आजादी का अनुभव किया तो मस्त होकर उछलने कूदने लगे। पहले दोनों ने डकार ली, फिर सींग मिलाए और एक दूसरे को ठेलने लगे। मोती ने हीरा को कई कदम पीछे हटा दिया, यहाँ तक कि वह खाई में गिर गया। तब उसे भी क्रोध आया, संभल कर उठा और फिर मोती से मिल गया। मोती ने देखा खेल में झगड़ा हो जाता है तो किनारे हट गया। सांड से मल्ल युद्ध। अरे ये क्या, कोई सांड डोंकता चला आ रहा है। हाँ सांड ही है, वह सामने आ पहुँचा। दोनों मित्र बगले झांक रहे हैं। सांड पूरा हाथी है, उससे भिड़ना जान से हाथ धोना है, लेकिन ना भिड़ने पर भी जान बचती नहीं नजर आती, इन्हीं की तरफ आ भी रहा है। कितनी भयंकर सूरत है, मोती ने मूक भाषा में कहा। बुरे फंसे, जान बचेगी? कोई उपाय सोचो, हीरा ने चिंतित स्वर में कहा। अपने घमंड में भूला हुआ है, आरजू विनती न सुनेगा, भाग क्यों न चले? भागना कायरता है, तो फिर यही मरो। बंदा तो 9-2-11 होता है, और जो दौड़ाए तो फिर कोई उपाय सोचो जल्द। उपाय यही है कि उस पर दोनों जने एक साथ चोट करें। मैं आगे से रगेदता हूँ, तुम पीछे से रगेदो, दोहरी मार पड़ेगी तो भाग खड़ा होगा,
मेरी ओर झपटे, तुम बगल से उसके पेट में सींग घुसेड़ देना। जान जोखिम है, पर दूसरा उपाय नहीं है। दोनों मित्र जान हथेलियों पर लेकर लपके। सांड को भी संगठित शत्रुओं से लड़ने का तजुर्बा न था। वह तो एक शत्रु से मल्ल युद्ध करने का आदी था। जो ही हीरा पर झपटा, मोती ने पीछे से दौड़ाया। सांड उसकी तरफ मुड़ा तो हीरा ने रगेदा। सांड चाहता था कि एक एक करके दोनों को गिरा ले, पर ये दोनों भी उस्ताद थे, उसे वह अवसर न देते थे। एक बार सांड झल्ला कर हीरा का अंत कर देने के लिए चला कि मोती ने बगल से आकर पेट में सींग भोंक दिया। सांड क्रोध में आकर पीछे फिरा तो हीरा ने दूसरे पहलू में सींग चुभा दिया। आखिर बेचारा जख्मी होकर भागा और दोनों मित्रों ने दूर तक उसका पीछा किया, यहाँ तक कि सांड बेदम होकर गिर पड़ा। तब दोनों ने उसे छोड़ दिया। दोनों मित्र विजय के नशे में झूमते चले जाते थे। मोती ने अपनी सांकेतिक भाषा में कहा, मेरा तो जी चाहता था कि बच्चे को मार ही डालो। हीरा ने तिरस्कार किया, गिरे हुए बेरी पर सींग न चलाना चाहिए, यह सब ढोंग है। बेरी को ऐसा मारना चाहिए कि फिर न उठे। अब घर कैसे पहुँचेंगे वो सोचो, पहले कुछ खा ले तो सोचे। बैलों का दोबारा पकड़ा जाना। सामने मटर का खेत था ही, मोती उसमें घुस गया। हीरा मना करता रहा पर उसने एक न सुनी। अभी दो ही चार ग्रास खाए थे कि दो आदमी लाठियां लिए दौड़ पड़े और दोनों मित्रों को घेर लिया। हीरा तो मेड़ पर था, निकल गया। मोती सींचे हुए खेत में था, उसके खुर कीचड़ में धंसने लगे, न भाग सका, पकड़ लिया। हीरा ने देखा संगी संकट में है तो लौट पड़ा, फंसेंगे तो दोनों फंसेंगे। रखवालों ने उसे भी पकड़ लिया। प्रातःकाल दोनों मित्र गांजी हाउस में बंद कर दिए गए। दोनों मित्रों को जीवन में पहली बार ऐसा साबिका पड़ा कि सारा दिन बीत गया और खाने को एक तिनका भी न मिला। समझ ही में न आता था ये कैसा स्वामी है, इससे तो गया फिर भी अच्छा था। यहाँ कई भैंसे थी, कई बकरियाँ, कई घोड़े, कई गधे, पर किसी के सामने चारा न था। सब जमीन पर मुर्दों की तरह पड़े थे। कई तो इतने कमजोर हो गए थे कि खड़े भी न हो सकते थे। सारा दिन दोनों मित्र फाटक की ओर टकटकी लगाए ताकते रहे, पर कोई चारा लेकर आता न दिखाई दिया। तब दोनों ने दीवार की नमकीन मिट्टी चाटनी शुरू की, पर इससे क्या तृप्ति होती। रात को भी जब कुछ भोजन न मिला तो हीरा के दिल में विद्रोह की ज्वाला दहक उठी। मोती से बोला, अब तो नहीं रहा जाता मोती। मोती ने सिर लटकाए हुए जवाब दिया, मुझे तो मालूम होता है प्राण निकल रहे हैं, इतनी जल्द हिम्मत न हारो भाई, यहाँ से भागने का कोई उपाय निकालना चाहिए। आओ दीवार तोड़ डाला। मुझसे तो अब कुछ नहीं होगा, सारी अकड़ निकल गई। बाड़े की दीवार कच्ची थी, हीरा मजबूत तो था ही। अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए और जोर मारा तो मिट्टी का एक चप्पड़ निकल आया। फिर तो उसका साहस बढ़ा, इसने दौड़ दौड़ कर दीवार पर चोटें की और हर चोट में थोड़ी थोड़ी मिट्टी गिराने लगा। उसी समय कांजी हाउस का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ निकला। हीरा का उजड़पन देख कर उसने उसे कई डंडे रसीद किए और मोटी सी रस्सी से बांध दिया। मोती ने पड़े पड़े कहा, आखिर मार खाई क्या मिला, अपने बूते भर जोर तो मार दिया। ऐसा जोर मारना किस काम का कि और बंधन में पड़ गए। जोर तो मारता ही जाऊंगा, चाहे कितने ही बंधन पड़ते जाएं। जान से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ परवाह नहीं, यूं भी तो मरना ही है। सोचो दीवार खुद जाती तो कितनी जानें बच जाती। इतने भाई यहाँ बंद है, किसी की देह में जान नहीं है। दो चार दिन और यही हाल रहा तो सब मर जाएंगे। हाँ ये बात तो है, अच्छा तो ला फिर मैं भी जोर लगाता हूँ। मोती ने भी दीवार में उसी जगह सींग मारा, थोड़ी सी मिट्टी गिरी और फिर हिम्मत बढ़ी। फिर तो वह दीवार में सींग लगाकर इस तरह जोर करने लगा मानो किसी प्रतिद्वंदी से लड़ रहा है। आखिर कोई दो घंटे की जोर आजमाई के बाद दीवार ऊपर से लगभग एक हाथ गिर गई। उसने दूनी शक्ति से दूसरा धक्का मारा तो आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार का गिरना था कि अधमरे से पड़े हुए सभी जानवर चेत उठे। तीनों घोड़ियां
बकरियां सरपट भाग निकली। फिर बकरियां निकली, इसके बाद भैंसे भी खिसक गईं, पर गधे अभी तक ज्यों के त्यों खड़े थे। हीरा ने पूछा, तुम दोनों क्यों नहीं भाग जाते? एक गधे ने कहा, जो कहीं फिर पकड़ लिए जाएं, तो क्या हरज है, अभी तो भागने का अवसर है। हमें तो डर लगता है, हम यहीं पड़े रहेंगे। आधी रात से ऊपर जा चुकी थी। दोनों गधे अभी तक खड़े सोच रहे थे कि भागें या ना भागें, और मोती अपने मित्र की रस्सी तोड़ने में लगा हुआ था। जब वह हार गया तो हीरा ने कहा, तुम जाओ, मुझे यहीं पड़ा रहने दो, शायद कहीं भेंट हो जाए। मोती ने आंखों में आंसू लाकर कहा, तुम मुझे इतना स्वार्थी समझते हो हीरा? हम और तुम इतने दिनों एक साथ रहे हैं, आज तुम विपत्ति में पड़ गए तो मैं तुम्हें छोड़कर अलग हो जाऊं? हीरा ने कहा, बहुत मार पड़ेगी, लोग समझ जाएंगे ये तुम्हारी शरारत है। मोती गर्व से बोला, जिस अपराध के लिए तुम्हारे गले में बंधन पड़ा, उसके लिए अगर मुझ पर मार पड़े तो क्या चिंता, इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। वे सब तो आशीर्वाद देंगे। भोर होते ही मुंशी और चौकीदार तथा अन्य कर्मचारियों में कैसी खलबली मची, इसके लिखने की जरूरत नहीं। बस इतना ही काफी है कि मोती की खूब मरम्मत हुई और उसे भी मोटी रस्सी से बांध दिया गया। बैलों की नीलामी। एक सप्ताह तक दोनों मित्र वहां बंधे पड़े रहे, किसी ने चारे का एक तृण भी न डाला। हाँ, एक बार पानी दिखा दिया जाता था, यही उनका आधार था। दोनों इतने दुर्बल हो गए थे कि उठा तक न जाता था, ठठरियां निकल आई थी। एक दिन बाड़े के सामने डुग्गी बजने लगी और दोपहर होते होते वहाँ 50-60 आदमी जमा हो गए। तब दोनों मित्र निकाले गए और उनकी देखभाल होने लगी। लोग आ आकर उनकी सूरत देखते और मन फीका करके चले जाते। ऐसे मृतक बैलों का कौन खरीदार होता? सहसा एक दढ़ियल आदमी जिसकी आंखें लाल थीं आया और दोनों मित्रों के कूल्हों में उंगली गोद कर मुंशी जी से बातें करने लगा। उसका चेहरा देखकर अंतर ज्ञान से दोनों मित्रों के दिल कांप उठे। वह कौन है और उन्हें क्यों टटोल रहा है, इस विषय में उन्हें कोई संदेह न हुआ। दोनों ने एक दूसरे को भीत नेत्रों से देखा और सिर झुका लिया। हीरा ने कहा, गया के घर से नाहक भागे, अब जान न बचेगी। मोती ने अश्रद्धा के भाव से उत्तर दिया, कहते हैं भगवान सबके ऊपर दया करते हैं, उन्हें हमारे ऊपर क्यों दया नहीं आती? भगवान के लिए हमारा मरना जीना दोनों बराबर है। चलो अच्छा ही है, कुछ दिन उसके पास तो रहेंगे। एक बार भगवान ने उस लड़की के रूप में हमें बचाया था, क्या अब ना बचाएगा? ये आदमी छुरी चलाएगा, देख लेना। तो क्या चिंता है, मांस खाल सींग ही सब किसी न किसी काम आ जाएंगे। नीलाम हो जाने के बाद दोनों मित्र उस दड़ियल के साथ चले। दोनों की बोटी बोटी कांप रही थी, बेचारे पांव तक ना उठा सकते थे, पर भय के मारे गिरते पड़ते भागे जाते थे, क्योंकि वह जरा भी चाल धीमी हो जाने पर जोर से डंडा जमा देता था। राह में गाय बैलों का एक रेवड़ हरे हरे हार में चढ़ता नजर आया। सभी जानवर प्रसन्न थे, चिकने चपल, कोई उछलता था, कोई आनंद से बैठा पागुर करता था। कितना सुखी जीवन था इनका, पर कितने स्वार्थी हैं सब। किसी को चिंता नहीं कि उनके दो भाई बधिक के हाथ पड़े कैसे दुखी हैं। बैलों का घर वापस आना। सहसा दोनों को ऐसा मालूम हुआ कि यह परिचित रहा है। हाँ, इसी रास्ते से गया उन्हें ले गया था। वही खेत, वही बाग, वही गांव मिलने लगे। प्रतिक्षण उनकी चाल तेज होने लगी, सारी थकान सारी दुर्बलता गायब हो गई। आ, ये लो अपना ही हार आ गया। इसी कुएं पर हम पुर चलाने आया करते थे, यही कुआं है, मोती ने कहा, हमारा घर नगीच आ गया। हीरा बोला, भगवान की दया है, मैं तो अब घर भागता हूँ। यह जाने देगा, इसे मैं मार गिराता हूँ। नहीं नहीं, दौड़कर थान पर चलो, वहां से हम आगे न जाएंगे।
दोनों बछड़ों की भांति कुलेले करते हुए घर की ओर दौड़े। वह हमारा थान है। दोनों दौड़कर अपने थान पर आए और खड़े हो गए। दड़ियल भी पीछे पीछे दौड़ा चला आता था। झूरी द्वार पर बैठा धूप खा रहा था। बैलों को देखते ही दौड़ा और उन्हें बारी बारी से गले लगाने लगा। मित्रों की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। एक झूरी का हाथ चाट रहा था। दड़ियल ने जाकर बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, मेरे बैल हैं, तुम्हारे बैल कैसे? मैं मवेशी खाने से नीलाम लिए आता हूँ। मैं तो समझा हूँ चुराए लिए आते हो। चुपके से चले जाओ, मेरे बैल हैं, मैं बेचूंगा तो बिकेंगे। किसी को मेरे बैल नीलाम करने का क्या अख्तियार है? जाकर थाने में रपट कर दूंगा। मेरे बैल हैं, इसका सबूत ये है कि मेरे द्वार पर खड़े हैं। दड़ियल झल्ला कर बैलों को जबरदस्ती पकड़ ले जाने के लिए बढ़ा। उसी वक्त मोती ने सींग चलाया। दड़ियल पीछे हटा, मोती ने पीछा किया। दड़ियल भागा, मोती पीछे दौड़ा। गांव के बाहर निकल जाने पर वह रुका, पर खड़ा दड़ियल का रास्ता देख रहा था। दड़ियल दूर खड़ा धमकियां दे रहा था, गालियां निकाल रहा था, पत्थर फेंक रहा था, और मोती विजय शूर की भांति उसका रास्ता रोके खड़ा था। गांव के लोग यह तमाशा देखते थे और हंसते थे। जब दड़ियल हार कर चला गया तो मोती अकड़ता हुआ लौटा। हीरा ने कहा, मैं डर रहा था कि कहीं तुम गुस्से में आकर मार न बैठो। अगर वह मुझे पकड़ता तो मैं बेमारे न छोड़ता। अब ना आएगा, आएगा तो दूर ही से खबर लूंगा, देखूं कैसे ले जाता है। जो गोली मरवा दे, मर जाऊंगा पर उसके काम तो ना आऊंगा। हमारी जान को कोई जान ही नहीं समझता, इसीलिए कि हम इतने सीधे हैं। जरा देर में नांदों में खली भूसा चोकर और दाना भर दिया गया और दोनों मित्र खाने लगे। झूरी खड़ा दोनों को सहला रहा था और बीसों लड़के तमाशा देख रहे थे। सारे गांव में उछाह सा मालूम होता था। उसी समय मालकिन ने आकर दोनों के माथे झूम लिए। सारांश। तो बच्चों, आज हमने देखा कहानी के माध्यम से मनुष्य एवं पशु के संबंधों को दिखाया गया है।